हम लोग जब पहले मैं भी जब कई बार अयोध्या गया हूँ इससे पहले इस डेवलपमेंट के फेज से पहले तो बड़ी छोटी सी अयोध्या जी थी वही एक बीच की सड़क है हनुमानगढ़ी को सड़क जाती है फिर आगे सरयू जी को सड़क जाती है इधर राम मंदिर के लिए रास्ता जाता है इतने सारे लोग लेकिन अब जब आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं खाने पीने की जगहें धर्मशालाएं रुकने के लिए होटल सड़कें हर चीज को आपको एक अलग पैमाना देना पड़ा होगा अयोध्या को मतलब एक नया शहर बसाने जैसा होगा तो देखिए उसमें आज से दस वर्ष पहले पांच वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर फोर लेन की सड़कें होंगी इससे पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या में रेलवे की डबल लाइन से जुड़ेगा इससे पहले लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा सरयू नदी में क्रोध सेवा प्रारंभ होगी लेकिन आज ये सब वास्तविक हकीकत है जो व्यक्ति पांच वर्ष के बाद अयोध्या जाएगा और अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा जर्जर भवन सब गायब है अब अच्छे खासे एक जैसी फसाट में एक जैसी डिजाइन के साथ अयोध्या के अंदर सड़कें बन चुकी है भवन बन चुके हैं मल्टी लेवल पार्किंग बन चुके हैं आठ एकड़ लैंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है आज भी इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हम लोगों ने अयोध्या से कोलकाता के लिए और बेंगलुरु के लिए वायु सेवा प्रारंभ की यानी अब तक अयोध्या से दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद के बाद कोलकाता और बेंगलुरु पांच सिटी को जोड़ा जा चुका है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है ऐसे ही अयोध्या के अंदर पंच कोशी चौदह कोशी और चौरासी कोसी परिक्रमा यह भव्य रूप ले रहा है वहां के आश्रम वहां के अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो तीर्थ स्थल थे जिनके अपनी महत्व थी उन सबको भी वहां सजाया संवारा जा रहा है अयोध्या नई अयोध्या के रूप में स्थापित हुई है बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ कार्य आगे होने जा रहा है अकेले अयोध्या पे वर्तमान में इकतीस हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट या तो जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं या उस पर कार्य चल रहा है और अगले दस वर्ष के अंदर अकेले अयोध्या के लिए एक लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं दस तो एक लाख करोड़ हाँ अब देखना अयोध्या बदल जाएगी दुनिया की सोलर सिटी के रूप में अयोध्या स्थापित हो रही है अयोध्या नए भारत की नई अयोध्या होगी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित होगी देखिए इस मैं तो खुल के कहता हूं इसका श्रेय सबसे पहले आपको देना चाहूंगा क्योंकि फैसला बाद में आया लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पर दीपोत्सव शुरू कर दिया था दिवाली के मौके पर और तभी से अयोध्या चमकनी तो शुरू हो शुर हमने कहा ना कि मैं तो राम भक्त हूं राम भक्त होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने पार्टी ने मुझे अवसर दिया वहां जाकर के हम लोग पहले ही दिन से पेड़ गए थे भाई रामनवमी का अवसर अच्छा होना चाहिए भक्तों को जो आने वाले राम भक्त हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए अयोध्या आयोजनों को हम इस रूप में प्रस्तुत करें कि वो दुनिया के लिए एक मानक बने और आप देख रहे होंगे कि आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या का एक यूनिक इवेंट बन चुका है बिल्कुल अयोध्या की ब्रांडिंग का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है वहां के घाटों को आप देखिए पहले गंदगी कम बार होता था पानी वहीं सड़ता रहता था आज आप देखिए लंबे घाट लाखों श्रद्धालु एक साथ वहां स्नान कर सकते हैं ये तो अयोध्या को नहीं पहचान एक बात लेकिन जी मन में रहती है हमेशा क्योंकि राम का नाम पैदा होने से लेकर के हमारे धरती से जाने तक में राम का नाम हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है हम उठते राम राम करते हैं किसी को मिलते हैं तो राम राम करते हैं ये राम की नगरी की सुध क्यों नहीं आई आज तक किसी को मुझे मैंने कहा ना दे उन्होंने कहा था हम हम मंदिर बनाते इससे जल्दी बना देते इससे भव्य बना देते लेकिन अयोध्या की शुद्ध किसी ने क्यों नहीं ली देखिए मैंने कहा ना राम के महत्व को नहीं समझा आप मुझे बताइए सुग्रीव के सेनापति के रूप में हनुमान जी ने राम के महत्व को समझा घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही देवत्व की स्थिति को प्राप्त कर लिए राजकुल में पैदा होता है लेकिन प्रभु की अवमानना करता है तो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है तो बड़े घर में पैदा होने भर से कोई महान नहीं हो जाएगा अगर राम की अवमानना करेगा तो दुर्गति तय है। अब अंतिम सवाल है मेरा योगी जी आपका समय ने काफी ले लिया आप कहते हैं कि यह हमारा कोई राजनीतिक कैंपेन नहीं है लेकिन चुनाव तो आ रहे हैं अभी दो तीन महीने के बाद तो ये जो राम जी का माहौल बना है इसी में काम हो जाएगा आप लोग का भी देखिए प्रभु की कृपा तो सर्वत्र होनी ही चाहिए और प्रभु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे देश की आम जनमानस की भावनाएं हैं और भारत का हर नागरिक ये चाहता है चाहे वह गांव का हो चाहे वह शहर का हो किसान हो नौजवान हो महिलाएं हो समाज का हर तबका इस अटूट विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है मोदी जी के साथ में है क्योंकि तो मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दिलाई है देश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जन विश्वास पर वे खरे उतरे हैं तो स्वाभाविक रूप से 2024 का जनादेश भी उस विश्वास पर खरा उतरेगा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए लेकिन आपने जो नारा लिखा दीवार पर गोरखपुर में अब, अब की बात 400 पार 400 थोड़ा ज्यादा नहीं है मोदी जी के नेतृत्व तो में हम लोग इस बात को कह सकते हैं फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी सरकार 2019 से अच्छे बहुमत के साथ आएगी दो हजार यूपी की बात अभी कर ले थोड़ा जल्दी होगा अभी बहुत जल्दी होगा